बताने वाला हूँ, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना जो BSEB यानी कि बिहार बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। बहुत से स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि हमको मैट्रिक एग्जाम देना है, कौन कौन से सब्जेक्ट से हमको क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन कौन सा मेरा कंपलसरी सब्जेक्ट है, कौन कौन सा मेरा अदर सब्जेक्ट है। इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि बिहार बोर्ड में कौन कौन से सब्जेक्ट से और कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने पे पास आउट होते हैं। इसके बारे में आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप बिना स्किप किए हुए आज मेरा पूरा वीडियो को देखिए और समझिए कि हमको टेंथ का एग्जाम देना है तो कौन कौन सा हमको सब्जेक्ट रहेगा और कौन कौन सा कंपलसरी रहेगा। तो आपको हम हाई स्कूल यानी कि हाई स्कूल वालों के लिए जी बता रहे हैं, बिहार बोर्ड वालों के लिए आपका कौन कौन सा कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा। देखिए बिहार स्कूल सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड पटना आपका जो है BSEB पटना जो है एग्जाम लेता है। तो आज मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, उसका फुल मार्क्स कितना है, पासिंग मार्क्स कितना होता है, आज मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है फुल मार्क्स और पास मार्क्स दिया हुआ है, देखिए हमको उसमें होता है हिंदी, हिंदी जो होता है 100 मार्क्स का होता है, उसमें हमको 30 नंबर लाना कंपलसरी होता है। दूसरा हमारा संस्कृत हो गया, संस्कृत में भी 100 नंबर का होता है, 30 नंबर लाना है। मैथ जो है 100 नंबर का होता है, 30 लाना है। सोशल साइंस होता है जो 100 नंबर का होता है, 30 लाना है। और साइंस जो है 100 नंबर का होता है, 30 लाना है। तो आपको समझ में आ गया कि जो हमारा 5 सब्जेक्ट जो है कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, हिंदी, संस्कृत, मैथ, सोशल साइंस और साइंस जो होता है हमारा मैट्रिक में जो होता है बिहार बोर्ड में बहुत ही कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। इसको हमें ये 5 सब्जेक्ट जो है कंपलसरी होता है, इसमें पास होना भी हमें कंपलसरी है कि 30 नंबर ला करके आपको पास होना है। उसके बाद इसमें एक और सब्जेक्ट आता है इंग्लिश, जो होता है अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश होता है जिसका मार्क्स तो नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन उसमें भी पास होना हमें अनिवार्य होता है। उसमें फेल भी हुईगा तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें पासिंग मार्क्स भी होना जरूरी है जो अदर सब्जेक्ट आपका इंग्लिश में है। बहुत से फॉर्म आप अप्लाई करने जाएंगे तो आप में अभी तो जैसे अच्छे अच्छे फॉर्म आप अप्लाई करेंगे मैट्रिक के बाद, जैसे आप NDA के अप्लाई करते हैं, तो ये सब जो भी है आप डिफेंस वेफेंस में अप्लाई करते हैं तो उसमें जो है आपको 15% मार्क्स जो है कंपलसरी खोजता है। तो आप देखिए अब इसमें आपको सोशल साइंस और साइंस में क्या है कि आपका 20-20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जो स्कूल से दिए जाते हैं, तो आपको इसमें तो साइंस और सोशल साइंस में अच्छे नंबर आते हैं मैट्रिक में, इसलिए क्योंकि स्कूल से जो है 20-20 मार्क्स, 20 में 18-18 तो मार्क्स मिल ही जाते हैं, और इसमें 100 में जो मार्क्स लाते हैं उसको होता है। तो आपको इसमें आपको समझ में आ गया हो कि हमारा बिहार बोर्ड सेकेंडरी स्कूल में कितने कितने सब्जेक्ट होते हैं और कितने कितने मार्क्स के होते हैं। आपको साइंस और सोशल साइंस में आपको प्रैक्टिकल के बारे में बता दिए कि ये 2 प्रैक्टिकल होते हैं, तो इसमें 2 प्रैक्टिकल होते हैं। सोशल साइंस में आपको 2 प्रैक्टिकल करने के लिए ये मिलेंगे और साइंस में जो 1 मतलब प्रैक्टिकल करने के लिए मिलेंगे। तो आपको समझ में आ गया इसके बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि 12th क्लास के जो फाइनल एग्जाम देते हैं उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, BA BEd में, BA और BSc में जो आप एग्जाम देते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, कौन कौन से अदर सब्जेक्ट होते हैं, तो उसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आप मेरा वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा।